हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत कॉमन डे टू डे प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के संग। जो पेरेंट्स आते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हम जो बोलते हैं उसको फॉलो नहीं करते, वो मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, वो टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर जब कुछ बोलो तो वो उस चीज़ का अपोजिट आंसर देते हैं, या फिर कोई ऐसा बिहेवियर उनके अंदर डेवलप हो रहा है जो कि हमें परेशान करता है कि हमारे बच्चों के संग ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डे टू डे की प्रॉब्लम मेरी आप सभी की है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी बच्चा अगर कोई बिहेवियरल चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स की सबकी हम सब उसकी उस बिहेवियर को देखते हैं कि आपका ये बिहेवियर अच्छा है, आपका ये बिहेवियर बुरा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिहेवियर ऐसा ही डेवलप नहीं होता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जिससे ये बिहेवियर डेवलप होता है। देखिए, कोई भी इंसिडेंट होती है बच्चों के साथ तो उसके संग एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप हो जाता है। उस इमोशंस के आने से उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, जिसकी वजह से उस बिलीफ सिस्टम के चलते उसके बॉडी में, उसके साथ, उसके लाइफ में एक बिहेवियर चेंज आता है। जैसे सपोज़ कीजिए, एक बिहेवियर बच्चों का बहुत कॉमन है कि टीवी या फिर वो लोग ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, तो ये एक बिहेवियर है। उस बिहेवियर के पीछे क्या बिलीफ है उसको हम नहीं देखते, क्या इमोशंस कनेक्ट हैं वो हम नहीं देखते, क्या इंसिडेंट हुआ वो हम नहीं देखते। हम सीधे उसके बिहेवियर को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और बार बार उसको पहले बोलते हैं, फिर उसको डांटते हैं, फिर मारते भी हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उसको उस मार का भी कोई असर नहीं होता है, क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं कि कौन सा उसका बिहेवियर सही है और कौन सा भी उसका बिहेवियर गलत होता है। बट उसके उस बिहेवियर के पीछे क्या बिलीफ है, क्या इमोशन है, उसको हम लोग नहीं देखते हैं। और कहीं ना कहीं फिर ऐसे बच्चे अपने माता पिता से दूर होते चले जाते हैं, उनके मन में माता पिता के प्रति जो सम्मान है वो कम होता चला जाता है, लव अफेक्शन है वो कम होता चला जाता है, और कई बार बच्चे वॉयलेंट होने लगते हैं, और कभी कभी कंडीशन इतनी पैथेटिक हो जाती है कि बच्चे हिंसात्मक भी हो जाते हैं और कोई वेपन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपने सुना होगा कि बच्चे गन्स लेके गए और अपने साथ के पढ़ने वाले बच्चों पे गोली चला दी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो हो रही है, वो बिहेवियर आया, उसके पीछे क्या इमोशन और बिलीव है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से यह आग्रह करता हूँ कि बच्चों के बिहेवियर के पीछे के क्या बिलीव हो सकते हैं आप वो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए, अगर कोई बच्चा टीवी या मोबाइल देख रहा है तो उसका बिलीव और उसका इमोशन क्या है, कि मे भी हो सकता है कि उसको खेलने के लिए कोई ना हो तो वो उसमें समय स्पेंड करके अपना टाइम व्यतीत करना चाहता है। कई बार क्या होता है, कई बच्चों को क्रिकेट मैच बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे क्रिकेट मैच बहुत अच्छा लगता था बचपन में। कभी कभी मैं बहाने बना दिया करता था कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा क्रिकेट देखने के लिए। तो ये इमोशंस हैं और ये बिलीव है। इमोशंस क्या है, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। बिलीव क्या है, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कभी कभी बच्चे जैसे छोटा भीम बहुत देखते हैं तो उनको, या फिर कोई कार्टून नेटवर्क देखते हैं तो उनको मज़ा आता है वो कार्टून नेटवर्क देखने में, और उनको एनकरेजमेंट मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है अंदर से, जिसकी वजह से वो कार्टून्स देखने में बहुत उनको अच्छा लगता है और उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर माता पिता कहते हैं ये तो हमेशा मोबाइल या टीवी में ही लगा रहता है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से ये विनती करता हूँ कि अपने बच्चे के बिहेवियर को ना देख के आप किसको देख रहे हैं, आप उसको, उसके इमोशंस को देखना, उसके बिलीफ को देखना है। देखिए, कोई भी बच्चा गलत नहीं होता, उसका वो बिहेवियर तो गलत हो सकता है लेकिन कोई बच्चा गलत नहीं होता है। अगर आप उसके पीछे के बिलीफ सिस्टम को और इमोशंस को पहचान लोगे, समझ जाओगे और उसको मोल्ड करना शुरू करोगे, क्योंकि देखिए मोल्डिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को टीवी देखने से रोक देते हो या फिर मोबाइल देखने से रोक देते हो तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा, क्योंकि उसको मज़ा तो उसी में ही आ रहा है ना, इमोशंस तो उसके उसी में ही है, बिलीफ सिस्टम उसका टीवी या मोबाइल देखने में ही है। तो आपको क्या कर, वो क्या करेगा, आपसे झूठ बोल के या तो अपने दोस्तों के यहाँ जाएगा, वहाँ पे जाके देखेगा पढ़ाई के नाम पे, या फिर किसी शॉप में जाके देखेगा, वो देखेगा ज़रूर। और होता क्या है, ऐसे ही वो फिर आपसे झूठ बोलने लगता है और चीज़ों को जिसमें उसको डिज़ायर मिल रहा है, प्रसन्नता मिल रही है, खुशी मिल रही है, वो चोरी छुपे करने लगता है।
आपको क्या करना है, रीमोल्डिंग करनी है इमोशन की, क्योंकि आपको पता लग गया इमोशन की इसको इसको देख के एम्पावर होता है। तो आपको क्या करना है, उसको समय देना है, और वो जो खेलने का जो उसको टीवी में देखने का समय है आपको उसको देने के देना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, और कोई कंस्ट्रक्टिव वे में खेलना पड़ेगा कि वो पढ़ाई भी हो जाए उसकी और उसका वो टाइम भी स्पेंड हो जाए। देखिए एक दिन में ये चीज़ नहीं होने वाली, जो रिमोल्डिंग होती है हमारे इमोशंस की, हमारे बिलीव सिस्टम की, उसमें 21 डेज लगता है। अगर आप 21 डेज रेगुलर करोगे तो फिर आप ये समझ पाओगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मिल्खा सिंह जी का, और उसमें भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट जब उनको पता लग गया कि मैं बहुत अच्छा धावक हूँ और मैं ये कर सकता हूँ और एक गोल सेटअप कर लिया उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम उनकी धीरे 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 सॉर्ट आउट होती चले गई। तो आप सब भी अपने बच्चों को खुद घर पर ट्रीट कर सकते हो, बस पहचानने की क्या ज़रूरत है उसके बिहेवियर के पीछे के इमोशंस को और उसके बिलीफ सिस्टम को। उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है, उसके इमोशन को मोल्ड करना है, तो आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो आप पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे बात नहीं सुनते, वो धीरे 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 करके ख़त्म होने लगेगा। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पेरेंट्स के लिए जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ऐसे किसी भी पेरेंट्स को जानते हैं तो इसके पीछे की साइकोलॉजी, जो चाइल्ड साइकोलॉजी चलती है, उसका जो क्रोनोलॉजी है, उसको समझाने के लिए वीडियो ज़रूर 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 सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।